नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम पाठ के अंत की तरफ जा रहे हैं और हम सब चाहते हैं कि अंत भला तो सब भला। हम सब अब एक साथ होकर केशव के साथ झूठ पड़े हैं कि जो भी सजा मिलेगी उस सजा के हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं। तो जब माँ ने केशव से यह पूछा कि ऊपर चढ़े कैसे, यह आवाज भी बड़ी अच्छी थी, इतनी हाइट पर पहुंचने के लिए तुमने क्या क्या किया है ना, और श्यामा को भी अब भैया के ऊपर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा था और वह भी भाई को सजा मिले इसलिए माँ के साथ खुद शामिल हो गई थी। अब उसने अपना हिस्सा चेंज कर लिया था, अब तक वो भैया के साथ थी, अब उसको लगा कि शायद मैं भी इसमें फंस न जाओ, इसलिए उसने अपने माँ का साथ देना शुरू कर दिया और भैया को जरूर सजा मिलनी ही चाहिए क्योंकि उसने चिड़िया के अंडे को गिराया है, उसने ठीक से रखा नहीं था या उसने मुझे दिखाया नहीं। श्यामा ने कहा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी, अब केशव भी अपने आप को तो बचाएगा ना। केशव ने क्या कहा, तू स्टूल था में नहीं खड़ी थी। तो श्यामा ने क्या कहा, तुमने तो कहा था कि स्टूल पकड़ के रखो, अब बड़े हुआ तो मुझे उसकी बात तो माननी पड़ेगी, इसलिए मैं तो स्टूल पकड़ के खड़ी थी। माँ ने कहा, तू इतना बड़ा हुआ तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं कि चूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें कभी भी सहती नहीं है। जब हम चिड़िया के अंडे को छूते हैं तो हमारी जो बॉडी की जो स्मेल है ना वो उसमें बैठ जाती है और उसी के कारण उसे पता पड़ जाता है कि अब किसी मनुष्य के द्वारा इसको छुआ गया है और छूने के कारण वो अंडे है वो बिगड़ जाते हैं और फिर कभी भी उनमें से बच्चे निकलते नहीं। मैंने आपको बोला था कि कुदरत ने हर एक को कोई ना कोई शक्ति दी है। यहाँ पर पक्षियों के पास सूंघने की शक्ति है, किसी के पास काफी देर तक काफी लंबी जगह देखने की शक्ति होती है और हमारे पास सोचने समझने की। तो श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ ने कहा, और क्या करती, जब बिगड़ ही गए हैं उनके अंडे, उनके बच्चे बिगड़ ही गए हैं तो वो थोड़ी ना अपने पास रखती, इसलिए उसने क्या किया, उसको तोड़ दिया, उसको फोड़ दिया, उसको नीचे गिरा दिया ताकि फिर कभी भी उसको वापस अपने अंडों को देखने के लिए आना पड़ेगा नहीं। केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय हाय, तीन गाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोने सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी, मैंने उसकी जान लेने की बिल्कुल सोची नहीं थी, मैंने तो उसकी सुरक्षा के बारे में सोचा था, उनको तिनकी ना चुभे इसलिए मैंने उसको रख के गद्दी पे रख दिया था, उसे उठाया था, बाकी मेरा कोई ऐसा काम नहीं था कि मैं उसे गिरा दूं, वो बिगड़ जाए, वो टूट जाए, अपनी माँ से वो बिछड़ जाए, ऐसा मेरा कोई आशय नहीं था। केशव रोने सूरत बना के बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा कि मेरे कारण मैंने चिड़िया के अंडों को बिगाड़ दिया, मेरे कारण आज एक बच्चा अपनी माँ से अलग हो गया, मेरे कारण वो अंडा गिरकर टूट गया। वो तो अंडों की हिफाजत के झोंक में था, वो तो उसकी रक्षा करना चाहता था, उनका काम उसको संभालना था, उसको मारने का उनका बिल्कुल आशय नहीं था, परंतु उससे उनका क्या हो गया, सत्यानाश हो गया। इसे याद कर कर अभी भी वह कभी कभी रो पड़ता है और उस दिन के बाद चिड़िया कभी भी फिर वहां दिखाई दी नहीं।
तो आज से हमें यह सीख मिली है कि हमें कभी भी हम दूसरों की मदद अवश्य करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि उनको हम हो सके उतनी मदद करें, पर उस मदद में हमें यह भी ध्यान रखना है कि उनका नुकसान भी होना चाहिए नहीं, यह बात का ध्यान भी हमें रखना है। तो यहाँ पर हम यह चैप्टर है वो पूर्ण करते हैं। प्रेमचंद जी ने काफी अच्छे से हमें समझाया है और मैं आशा करती हूँ कि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कुछ भी दिक्कत है तो बिल्कुल हिचकिचाना मत, हम वापस जब मिलेंगे रूबरू होंगे तब इनके बारे में हम अवश्य चर्चा करेंगे। आपको यहाँ पर प्रश्न के उत्तर अब मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप समझना और हो सके तो अपने हिसाब से उसको एक बार लिखने की कोशिश करना ताकि आपको आंसर लिखने में मजा आएगा। प्रश्न पहला है अंडों के बारे में, केशव और श्यामा के मन में किस किस तरह के सवाल उठते थे, वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। तो जैसे कि हमने चैप्टर की शुरुआत में देखा कि उनके घर के कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे और केशव का ध्यान उसकी तरफ गया था। सुबह उठते ही वह सबसे पहले उनका काम वही था कि चिड़िया क्या कर रही है, तो उनके मन में काफी सवाल थे कि अंडे कितने होंगे, कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, किस आकार के होंगे, बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, वह कैसे होंगे। ये सारे जो सवाल है जो हमने चैप्टर की शुरुआत में देखे है उसी के आधार पर वह अपने दिल में प्रश्न करके उन्हीं का उत्तर ढूंढ के वह अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते। प्रश्न दो है कि केशव ने श्यामा से चितरे टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे। यहाँ पर हम चैप्टर के मध्य भाग में देखते हैं तो केशव और श्यामा ने मन ही मन में सोच लिया था कि हम कहीं ना कहीं हमें चिड़िया की मदद करनी है ताकि वो अपने बच्चों के आसपास रहे, उनसे दूर न जाए। तो उसने सबसे पहले चिथड़ा मंगाया था। क्यों मंगाया था कि उसने उसकी गद्दी कर दी, उसको तह कर दिया। क्यों? क्योंकि जब केशव स्टूल से ऊपर चढ़ा तो उसने देखा कि अंडे कहाँ पड़े हुए, तिनकों के ऊपर पड़े हुए थे। तो उनमें डर था कि बच्चे जब निकलेंगे तो शायद वह तिनकी उन्हें चुभेगी, तो उनको तिनके चुभे नहीं इसलिए उसने एक फटे कपड़े से गद्दी बनाई और वो गद्दी बना के रख दी और उसके ऊपर अंडे रख दिए ताकि बच्चों को या अंडों को तिनके चुभे नहीं। उसने टोकरी उस माध्यम से रखी कि टोकरी के द्वारा उसे धूप ना लगे, उसे छाव मिले। हम सब ने वहां पर भी चर्चा की थी कि वो छोटी सी झाड़, इस धूप में अगर हम भी बाहर निकलेंगे तो हम अपने आप की रक्षा करेंगे। तो इसी रक्षा के कारण तो केशव श्यामा ने भी यह सोचा कि हमें उनकी मदद करने के लिए, उनको छाव देने के लिए, उसको धूप से बचाने के लिए टोकरी रख दी जाए। और दाना पानी की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि अगर बच्चे निकल आएंगे तो उसकी माँ यहाँ वहां भटक के पूरा दिन उसको दाना पानी ही खिलाती रहेगी क्योंकि चिड़िया भी इतनी छोटी सी होती है ना। तो अपने बच्चों के लिए वह हमेशा दूर दूर उसको जाना पड़ता है, वहां से वो दाना इकट्ठा करके लाती है, अपने बच्चों को खिलाती है, उसको पानी की जरूरत पड़ती है दूर जाती है, बच्चों को पिलाती है। तो हमेशा अपने बच्चों से दूर रहेगी, उसको यह मुसीबत का सामना न करना पड़े इसलिए उन्होंने चावल और पानी की कटोरी वहां पर रख दी। और इस तरीके से उसने चिथड़े टोकरी और दाना पानी रखकर चिड़िया की मदद करने की कोशिश की है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि केशव श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी की। तो पाठ के अंत में हमने देखा कि वह तो चिड़िया की हिफाजत करने वाले थे, वो उसका सत्यनाश करना चाहते नहीं थे।
तो उन्होंने जो भी काम किया है वह नादानी में किया है, और उनका एक ही एम था कि हमें उसकी रक्षा करनी है, हमें उसका पालन करना है, हमें उसका पोषण करना है। और उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने जो जो सोचा उसी तरीके से वह सब कार्य किया। तो यहाँ पर अगर अंडे टूट गए हैं, चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं, अंडे बिगड़ गए हैं, तो केशव और श्यामा का कोई इसमें यह भाग नहीं था कि हमें बच्चों से अपनी माँ को अलग करना है, उसे गंदा करने का, उसको बिगाड़ने का उसका कोई कार्य नहीं था। तो यहाँ पे जो भी कार्य हुआ है वो अंडों की रक्षा करने के लिए हुआ है, पर जो भी हुआ है वो नादानी में हुआ है, उन्होंने जानबूझकर यह कार्य किया नहीं है। तो इस तरीके से हम यह तीनों प्रश्न के उत्तर अपने हिसाब से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, जो आप अभी अपने घर पर कोई भी बुक है उसमें लिख लीजिए, और जब हम रूबरू होंगे तब वापस इनकी चर्चा करेंगे और प्रश्न के उत्तर हम अपनी क्लास वर्क में लिखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि यह चैप्टर या पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपको भी कहीं ना कहीं लगता होगा कि आज से हम भी यह सोचेंगे कि हम चिड़िया और उसके बच्चों की जरूर रक्षा करेंगे, पर रक्षा करने के साथ साथ उनकी जो सावधानियां हैं वह भी हम अवश्य बरतेंगे, क्योंकि सावधानी से किया गया कार्य कभी भी विफल होता नहीं है। तो इस उम्मीद के साथ यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा हो रहा है, और कोई भी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया है तो आप उसको रेखांकित करके रखिए, और दूसरी कक्षा में जब भी हम मिलेंगे हम उनका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर यह पाठ आपका पूर्ण होता है।